अफगानिस्तान पर आए संकट ने जहां दुनिया को झकझोरा है, वहीं कई देशों के चेहरे से नकाब भी हटा दिया। खास तौर से इसने इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनने वाले अर्दोगान का असली चेहरा सामने ला दिया है। तुर्की ने अफगानियों के देश में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। बाकायदा ईरान से लगते बॉर्डर पर कई फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन हमने संकट के इस दौर में भी काबुली वाले से दोस्ती निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत से मदद की आस लगाए बैठे सभी अफगानी नागरिकों को मदद पहुंचाई जाए। अफगानिस्तान से भारत आने के इच्छुक सिखों और हिंदुओं को शरण दी जाए। इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की हिफाजत के साथ वतन वापसी भी तेज हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से करीब 120 भारतीयों को वापस लाया गया। खास बात यह है कि अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुरेंद्र टंडन भी वापस लौट चुके हैं। विमान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और कुछ भारतीय पत्रकारों को भी वापस लाया गया है। अफगानिस्तान से वापस आए लोगों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। वहीं बसों में बैठकर इन नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अफगानिस्तान के बेकाबू होते हालात को देखते हुए हर देश अपने नागरिकों को वापस ला रहा है, लेकिन 4 करोड़ उन अफगानियों का क्या होगा जिनके मुकद्दर में सदी के लिए त्रासदी लिखी गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।